नमस्कार दोस्तों मैं रोहित वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में और आज का टॉपिक है आपका समान अध्ययन टेस्ट सीरीज ये आपकी ईट है इससे पहले मैं आपकी सेवन तक प्रोवाइड करवा चुका उस हूं उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और दोस्तों ये काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेकर आया हूँ काफ़ी बिजी था मैं कुछ काम में बीस तारीख तक मैंने पिछली वीडियो में बताया था तो फिलहाल तो आज से आपको डेली की डेली ये जो टेस्ट सीरीज प्राप्त हो रही थी इससे पहले अब से आपको डेली ही ये टेस्ट सीरीज मिला करेगी तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा इसको लाइक करके इसके लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए थे और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो भी चैनल पे नए हो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसकी पी पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं गूगल ट्राइफ से पी डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहाँ से देख सकते हैं तो दोस्तों बढ़ते हैं इस टॉपिक पॉइंट की और पहला पॉइंट है आपका कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है तो इसका सही आंसर है कि आपका किसी तत्के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या वो आपकी आठ हो सकती है अगला पॉइंट आपका तरंगे एक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या स्थानांतरित करती हैं जो आपकी तरंगे होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या ट्रांसफर करती हैं तो इसका सही आंसर वो आपका ऊर्जा ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं आपकी तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगला पॉइंट आपका एरोसोल क्या होता है जो हमका एरोसोल है वो हमका क्या होता है तो वो है हमका द्रव या ठोस का गैस में विलयन मतलब द्रव या ठोस का गैस में विलयन को आपका एरोसोल बोलते हैं अगला पॉइंट है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है वो आपके अंडमान में पाए जाते हैं अगला पॉइंट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल नहीं है तो जो है वो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो आपकी नोबल गैस नहीं है अगला पॉइंट आपका किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा है तो उसका सही आंसर वहां का महाराष्ट्र महाराष्ट्र है आपका वहां पे सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा है अगला पॉइंट आपका मोह मापनी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है आपका जो मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है तो उसका सही आंसर वो आपका कठोरता कठोरता किसका समकालीन था, कर कर था, के लिए था। मोह भारत का अगला तो है, आँसर है उनका प्राचीन भारत का महान जो था उनका सुंग का था। के स्वाधीनता विधेयक पर ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर कब हुआ है स्वाधीनता विधेयक पर ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर जो हुआ वो आपका अट्ठारह जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन मतलब अट्ठारह जुलाई उन्नीस सौ सैंतालीस में हुआ है आपका स्वाधीनता विधेयक पर ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर अगला पॉइंट आपका बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के समय पाकिस्तान में कौन शासन कर रहा था तो बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के समय जो था आपका पाकिस्तान में यहीं खां शासन कर रहा था और मतलब जो बांग्लादेश आपका उन्नीस में जो स्वतंत्र हुआ था उस समय आपका पाकिस्तान में यहीं खां शासन कर रहा था अगला पॉइंट है आपका रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप की ऊपरी पाट्यांग कहा जाता है मतलब जो रक्तचाप में मैक्सिमम पॉइंट होता है या रक्तचाप के सबसे ऊपरी पाट्यांग जिसे बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं तो वो होता है आपका प्रकुचन दाब प्रकुचन दाब बोलते हैं सबसे ज़्यादा उच्चतम पॉइंट को या फिर आपका ब्लड प्रेशर की ऊपरी पाट्यांग को अगला पॉइंट आपका जिंक का मिश्रण कहलाता है कॉपर तथा जिंक का जो मिश्रण है वो आपका पीतल कहलाता है अगला पॉइंट है पदार्थों की बेल्डिंग तथा कटिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है तो पदार्थों की बेल्डिंग तथा कटिंग में जो प्रयुक्त गैस है वो आपकी एथाइन होती है अगला पॉन को रेफ्रिजरेट का क्वन किसको परिवर्तित करके भिन्न हो सकता है उसका जो सही आंसर है वो आपका प्रसितन प्रणाली के अंदर दाब को परिवर्तित करके भिन्न हो सकता है रेफ्रिजेंट का क्वनांक अगला पॉइंट आपका शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है मतलब शुष्क सेल में जो आपकी जो तो छड़े होती है एनोड वो आपकी किसकी बनी होती है तो वो होती है आपकी ग्रेफाइड की एनोड छड़े जो आपकी ग्रेफाइड की बनी होती है अगला पॉइंट है लैंस में प्रधान बिंदुओं मतलब कि कॉर्डिनल पॉइंट्स की संख्या कितनी होती है उसका सही आंसर वो आपका लेंस में होती बिंदुओं की संख्या अगला पर्णाप का धारा नियम आधारित है तो जो कर्चाप का धारा नियम वो आपका धारा एवं आवेश के संरक्षण पर आधारित है अगला प्रश्न का बल आगुण क्या होता है तो आपका जो बल आगुण होता है वो आपका टू इंटू एनर्जी अपॉन डब्लू का स्क्वायर है आपका फार्मूला है आपका बल आघूर्ण का अगला पॉइंट है आपका कि ऑक्साइड एस्को से धातु के निष्कर्षण की सामान्य विधि है तो ऑक्साइड एस्को से धातु के निष्कर्षण की जो सामान्य विधि है वो आपकी कार्बन द्वारा अपचयन ऑक्साइड के एस्को से धातु के निष्कर्षण की सामान्य विधि कार्बन द्वारा अपचयन होता है अगला पॉइंट है आपका क्वार्टज किससे बनता है तो आपका जो क्वार्टज है वो आपका सोडियम सल्फेट से बनता है अगला पॉइंट है आपका वैन कोल्ड टर्न गोल्ड द मेकिंग ऑफ ए महाराथन कंपनी पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है तो यहाँ इसका सही आंसर पी वी भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई वैन कोल्ड टर्ड गोल्ड द मेकिंग ऑफ ए महाराथन कंपनी अगला पॉइंट आपका अगस्त 2018 में भारत ने किस देश के साथ वित्तीय और तकनीकी सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं तो भारत ने आपका बता दूं जर्मनी के साथ पाँच हजार दो सौ पचास करोड़ की धनराशि के साथ वित्तीय और तकनीकी सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं आपके जर्मनी के साथ अगला पॉइंट का भारतीय मूल के किस घटतक को फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया है तो भारतीय मूल के अक्षय अच्छा बेक्टेस घटतक को आपके फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया और मान दूँ कहा ब्राज़ील के रियोडी जेनरिया में इनको यह इस पुरस्कार से सम्मानित किया फील्ड्स मेडल्स में जो कि आपकी गढ़ तक के मामले में दिया जाता है और जो कि दिया जाता है उनको चालीस वर्ष से कम उम्र के लोगों को मतलब जो चालीस वर्ष से कम उम्र के लोग होते हैं और गढ़ तक के क्षेत्र में उभर रहे हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है अगला पॉइंट है आपका संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया है तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा आपका सेवा भोज योजना का शुभारंभ किया गया है अगला पॉइंट है आपका मेजर आदित्य कुमार और राइफलमैन औरंगजेब को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है तो उसका सही आंसर है आपका सौर चक्र सौर चक्र से सम्मानित किया है मेजर आदित्य कुमार और राइफलमैन औरंगजेब को और मैं बता दू आपका इन दोनों के साथ आपका इन दोनों को मिलाकर आपके ट्वेंटी लोगों को सौर चक्र से सम्मानित किया गया जो कि आपके चौदह अगस्त दो को मतलब स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और उसके लिंक को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर जरूर करने से और भी दोस्त आपके लाभ पा सकें बहुत तो बहुत धन्यवाद आपका